कोविड की मजबूरी ने करतारपुर कॉरिडोर के जिस रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो आज से हट रही है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के दो दिन पहले से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किया। अमित शाह ने फैसले पर कहा, यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सभी सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान भाव को दर्शाता है। कोविड परिस्थितियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब तक की यात्रा पर 16 मार्च 2020 तक रोक लगाई गई थी। कोविड के हालात सुधरने पर तय प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत करतारपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। करतारपुर साहब कॉरिडोर या करतारपुर साहब का दर्शन और अरदास हर सिख समाज के भाई बहन का एक तमन्ना होती है, और कोविड पीरियड में उसमें ज़रूर कुछ रुकावट आई। उससे पहले भी करतारपुर कॉरिडोर के लिए मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और खोला, ये सब लोग जानते हैं, और एक बार फिर खुला है, और मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूं। मेरे अंदर खुशी भी है और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को, और सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प। करतारपुर कॉरिडोर का खुलना सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। 2022 के पंजाब चुनाव की वजह से राजनीतिक दलों की ओर से भी जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग हो रही थी। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले के बाद पंजाब सरकार की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि 18 नवंबर को पहले जत्थे के तौर पर पंजाब कैबिनेट श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकेगी। 14 नवंबर को बीजेपी के सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की थी। सरकार के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। फैसले पर SGPC ने भी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। मैं धन्यवाद कर दी जिथे कोटनकोट धन्यवाद धन गुरु रामदास जी का, धन गुरु नानक साहब जी का, उत्थे मैं धन्यवाद कर दी है मानयोग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पूरी कैबिनेट दी, जिन्हां ने यह फैसला लैके अज संगत की खुशी में वाधा किया। जो उन्होंने श्रद्धा सी, जो उन्होंने भावना सी, जो उन्होंने तमन्ना सी, अज पूरी हुई। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भारत में पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को जोड़ने वाला करतारपुर गलियारा 4.5 किलोमीटर लंबा है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करतारपुर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह दरबार साहिब गए थे। आज तक ब्यूरो।